बच्चों, जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकल के वीडियो भी सिखाए और कुछ बेसिक कंप्यूटर में आपको कुछ थ्योरी पार्ट भी सिखाए, वैसे ही जैसे मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग कंप्यूटर के पार्ट्स आपको बता रहा हूँ और बेसिक के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ, वैसे ही मैं बेसिक के पार्ट्स में अगली इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स में जो हम तरह तरह के उसमें सॉफ्टवेयर सीखते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं, उसमें बता दो उसका जो मैं पार्ट बताने जा रहा हूँ उसका नाम है, उसका नाम है वर्ड पैड। इस वर्ड पैड का यूजेस में बता देता हूँ दोस्तों कैसे करते हैं और हम इस वर्ड पैड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं कुछ कीबोर्ड के बारे में बताया, कुछ माउस के बारे में बताया, कुछ सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया और उससे रिलेटेड पार्ट को कैसे ज्वाइन करते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं उसके बारे में भी आपको बताया। तो मैं आज आपको इस वर्ड पैड, इस प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि जब हम सबसे स्टार्टिंग में हम आते हैं हमें कंप्यूटर में अवेलेबल पहले से मिलता है वर्ड पैड, नोट पैड और पेन। पहले से कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें उपलब्ध मिलते हैं, नोट पैड, नोट पैड और वर्ड पैड, पेन। फिर कौन से सॉफ्टवेयर उपलब्ध मिलते हैं, पावर पॉइंट। ये सब सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, पावर पॉइंट भी मिलते हैं हमें, एक्सेल, ये इतनी सारी चीज जो ये सब चीजें कॉमन चीजें हैं। तो इन सब कॉमन चीजों को हम क्या करते हैं, अपने बेसिक में प्रोग्रामिंग ये सारी चीजें सीखते हैं और इससे रिलेटेड जो सारी बातें आती है, मतलब सारे सॉफ्टवेयर आते हैं इससे रिलेटेड ही रहते हैं। जो बेसिक कंप्यूटर में हमें सबसे ज्यादा यूजेस हम कहीं वर्क में या कहीं शॉप में यूज करते हैं, तो क्या करते हैं, हम एक्सेल को यूज करते हैं। और हम कहीं पे अगर हमें किसी चीज को पेज टाइप करना है या किसी चीज की टेक्स्ट टाइप करना है या किसी की नंबर यानी कि उसकी जेरॉक्स कॉपी निकालनी है, हमें किसी की रिप्लेस पेपर निकालना है, तो उस पेपर को निकालने के लिए किससे टाइप करते हैं, या तो हम वर्ड पैड टाइप करते हैं या हम नोट पैड टाइप करते हैं या फिर हम एमएस वर्ड पे टाइप करते हैं, एमएस वर्ड पे टाइप करते हैं। तो टाइप करने के तरीके जो मैं आपको बताया कि टाइप करने के तरीके अलग अलग से टाइप करते हैं, स्मॉल लेटर में भी टाइप करते हैं, कैपिटल लेटर में भी टाइप करते हैं, नंबर्स लेटर में भी टाइप करते हैं और मतलब चिन्हों के द्वारा भी टाइप करते हैं, मतलब जो उसके मार्किंग होते हैं मार्किंग के द्वारा भी क्या करते हैं, कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से काम किए जाते हैं। वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि जो हम टाइपिंग करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के चिन्ह रहते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के सिम्बल्स दिए जाते हैं और अलग अलग के पार्ट्स पिक्चर्स में ऐड किए जाते हैं। तो जैसे मैं बताने जा रहा हूँ आपको वर्ड पैड, तो इस वर्ड पैड में जैसे हम बता दें कि कौन कौन से उसमें जो टूल बार होते हैं, टूल बार में सबसे पहले हम होम में जाते हैं, टूल बार में क्या करते हैं, हम होम में जाते हैं, होम में जाने के बाद कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो होम में हमें क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के क्या करते हैं, स्टाइल मिलती है। जैसे हमें किसी भी लैंग्वेज चेंज करना रहता है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज मतलब जो टेक्स्ट रहता है उसकी स्टाइल चेंज करनी रहती है, तो ये चीजें हमें क्या करती है, होम में मिल जाती हैं, मतलब लैंग्वेज के माध्यम से हमें ये होम में मिल जाती है। नेक्स्ट कौन सा मिलता है इसमें, जैसे हमें वर्ड की साइज हमें क्या होती है, इस होम के माध्यम से हमें मिल जाती है। लैंग्वेज मिलता है, लैंग्वेज की स्टाइल, फिर वर्ड की साइज मिल जाती है और उसमें जो बोल्ड का मार्किंग रहता है, इसमें बोल्ड, इसमें वर्ड को हम बोल्ड भी करते हैं और उस बोल्ड
हम क्या करते हैं, पेज जो रहता है, अभी हमारा दूसरा पार्ट क्या आता है, पेज। पेज में क्या आता है, पेज सेटअप आता है। पेज सेटअप को क्या करते हैं, हम कभी हम पेज को लेफ्ट साइड से भी लिखते हैं और राइट साइड से भी लिखते हैं, राइट साइड से लिखते हैं, और कभी कभी हमारा कोई पार्ट आ जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम उसे मिडल से भी लिखते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, होम में मतलब हमें अवेलेबल मिल जाता है। तो इन सब चीजों को जब हम एक एक वर्ड टाइप करने लगते हैं, एक एक वर्ड लिखने लगते हैं, तो क्या करते हैं हम, कौन से मतलब टाइपिंग में कौन से रूप में हमें इन्हें इस्तेमाल करना है, कैसे उस पेज को हमें स्टाइल देना है, तो हम क्या करते हैं इन सारी चीजों को इस वर्ड पैड के माध्यम से हमें ये सब चीज हम क्या करते हैं उसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैं बता रहा कि जब हम लैंग्वेज चेंज करते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं वर्ड में क्या किया, हम क्या किया तो उसे ए बनाया, ए बनाया, तो ए क्या किया मैं ए लिख दिया, ए लिखने के बाद क्या किया मैं, ये हो गया लैंग्वेज हमारे एक लेटर हो गया, ठीक है। लेटर होने के बाद क्या किया मैं, इसे हमें अब कैसे ये पतला है, मतलब ये एक सिंपल सा मैं एक लेटर लिख दिया। अभी इस लेटर को हम लिखने के लिए क्या करते हैं, इससे हम स्टाइल देने के बाद और अच्छा लगने के लिए क्या करते हैं, हम बोल्ड कर देते हैं, यानी कि ये चीज इसमें यूज करते हैं। फिर इसमें और थोड़ा सा सुंदर सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ी सी इसी की साइज हम क्या करते हैं, दूसरे पार्ट में क्या करते हैं इसकी साइज क्या करते हैं, ऐसे करके हम इसको मोटा कर देते हैं। मतलब ये ऐसा क्या होता है, इसकी साइज को हम मोटा मतलब और बढ़ा देते हैं, मतलब जितना चाहिए उतने हम पेज को क्या करते हैं, कवर करते हैं। फिर हम देखते हैं इससे लैंग्वेज की स्टाइल, स्टाइल जैसे अलग अलग आर्ट में आते हैं, जैसे बोर्ड में आते हैं, क्रॉस भी आते हैं, क्रॉस लिखते हैं, जैसे ए हो गया, क्रॉस में हो गया, ठीक। इसमें स्टाइलिश आते हैं, मतलब ऐसा भी आते हैं, सिंपल से सर्कल में भी ऐसा आते हैं, जैसा मतलब चाहिए अपने को वैसा इसकी स्टाइल मिल जाती है। फिर क्या आते हैं उसमें, पेज में क्या आते हैं दोस्तों, देखो पेज में क्या आते हैं, कलर्स भी आते हैं, कलर्स भी क्या करते हैं उसको ऐड करते हैं, कलर्स को उसमें ऐड करते हैं। फिर क्या करते हैं, जब हम उस वर्ड को टाइप करते हैं तो हमें कहीं ब्लैक कलर ऐड करने पड़ते हैं वर्ड में, और कहीं व्हाइट, कहीं रेड और कहीं येलो, मतलब जिस तरीके का हमें वर्ड चाहिए रहता है हम क्या करते हैं उसको यूज करते हैं। तो हम कलर मतलब टेक्स्ट को भी कलर करते हैं और हम क्या करते हैं वर्ड को भी कलर करते हैं, और नेक्स्ट क्या करते हैं हम पेज को भी हम क्या करते हैं कलर करते हैं। ऐसे हैं अलग अलग तरीके के क्या करते हैं कलर, मतलब जगह जगह पे यूज करते हैं। अभी जो मैं ये सब सारी चीजें बता रहा हूं, मतलब उसमें ये सिंपल से दिए रहते हैं, वर्ड की लैंग्वेज की स्टाइल दी रहती है, साइज दी रहती है, बोल्ड का ऑप्शन दिया रहता है, कहीं कहीं उसमें होम में क्या रहता है किसी की गणित, जैसे हम मैथ कोई सवाल सॉल्व करते हैं या हम उसे यूज करते हैं, जैसे हमें नंबर्स लिखने रहते हैं, जैसे टू टू लिख दिया, तो इस नंबर्स को कहेंगे हम मैथ के प्रश्न में या नंबर्स राइट करते हैं, तो हमें उस पर स्क्वायर रूट या क्यू लगाने रहते हैं, तो क्या करते हैं उसमें भी सिंबल दिए रहते हैं, कैसे दिए रहते हैं हमें यक्स के स्क्वायर ऐसे दिए रहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं जब हम माउस के द्वारा क्या करते हैं, जब हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारा सारा वर्ड क्या होता है किसी भी वर्ड के ऊपर हमें क्या करता है ऑटोमेटिक ऐसे स्क्वायर लग जाता है, मतलब हम जैसे किसी के हाथ में हम कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं, ये हम होम के बाद। ये जो सारी चीजें मैं बताया, ये जो मेन फंडा है, मतलब जो मेन चीजें मतलब वर्ड पैड में यूज करते हैं, टाइपिंग में अवेलेबल होती है, जो राइटिंग करने में हमें यूज करते हैं, जो पेज तैयार करते हैं, तो क्या करते हैं इतनी सारी चीजें से हम क्या करते हैं एक पेज, मतलब जो हमें कॉमन चीजें लिखनी रहती है सिंपल सी एक लेटर रेडी करना रहता है, तो क्या करते हैं हम इन्हीं सारी चीजों के माध्यम से हम क्या करते हैं एक पेज हम रेडी कर लेते हैं, मतलब कैसा हमें पेज को बनाना है, कैसी टाइपिंग देनी है, तो हम ये सब सारी चीजें क्या करते हैं वर्ड पैड के माध्यम से हमें इसमें यूज कर लेते हैं। तो वैसे ही जब मैं
इन सारी चीजें काफी वहीं पे हमें अवेलेबल मिल जाती है। हमें जैसा चीज रहता है सिर्फ सामने दिखा लिखा रहता है उसमें सिर्फ माउस के द्वारा हम क्या करना है कमांड लेकर हमें उसे यूज करना रहता है। तो मैं आज आपको इतनी सी वर्ड पैड में मैं होम टूल्स के बारे में मतलब होम जो ऑप्शन रहता है फर्स्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए और बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है मैं आगे होम के बारे में आता है इन सर होम के बाद आता है इन सर इंसर्ट। तो इस इंसर्ट पार्ट को मैं क्या करूंगा अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इंसर्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। इतनी सी इंफॉर्मेशन देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।